Anyway, चलो टू द केतु केतु जैसा अभी वेत कि, वेत किया राहु और केतु एक समान है है ठीक दो दोनों ही ग्रह दोनों, दोनों, दोनों में एक गुण होता है कि दोनों अपने गुण बदल सकते हैं समय के अनुसार दोनों ही वायु तत्व के प्लानिट है दोनों ही ल, लोहे को संबोधित करते हैं और राहु के साथ एक यह है कि राहु शारीरिक रूप से हड्डी को संबोधित करता है तो केतु शारीरिक रूप से चरम को संबोधित करता है यानी कि चरम मतलब चरबी चरम स्किन स्किन को संबोधित करता है स्किन को, को। स्किन को, को संबोधित करता है ठीक राहु और राहु का जो कलर है वो हल्का गहरा नीला रंग राहु का माना जाता है तो इसी जगह पे केतु जो है काला सफेद का मिश्रण जैसे चस जैसे आ, काला रंग का कपड़ा काले सफेद रंग के तिल केतु है कलरफुल रंग बिरंगी चीजें जिसमें एक बहुत सारे एक मल्टी कलर चीजें बन जाए केतु केतु कंबल रेनबो रेनबो टाइप ब्राउन और ब्राउन ब्लैक कॉम्बिनेशन कंबल व्हाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन कंबल कुत्ते होते रहे जिसके बाद धबे धबे पड़े होते हैं टाइप केतु 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 की अच्छी रेमेडी कुत्ते को हेल्प करना ठीक केतु एक इनविजिबल प्लेनेट है शेडो है केतु इज कंसिडर्ड टू बी ड्रैगन टेल केतु दिल से काम करता दिमाग से नहीं करता और राहु दिमाग से करता दिल से नहीं करता केतु के बाद दिमाग नहीं है दिल है इसलिए जब केतु हिट होता है हर्ट होता है तो बहुत स्ट्रोंग रिजल्ट देता है कि वो दिल से हट होता है और राहु जब हट होता है वो दिमाग से हट होता है वो वो भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है बट केतु उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग घातक रिजल्ट देता है केतु दिल से हट होता है तोड़ फोड़ देता है केतु और राहु के अंदर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है इन टर्म्स ऑफ सडन एंड इंसिडेंट्स बट केतु में एक अच्छी बात है कि केतु जहां राहु के अंदर सारी डिस्ट्रक्शन है केतु में कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है कि केतु इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ग्रह हाइएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम केतु केतु को आप याद करो हमने बोला था उसकी राशि कौन सी है बारहवीं राशि मेन राशि बारहवी राशि में केतु साधना का प्लानट है बारवा हाउस साधना का हाउस है बारवा हाउस मेडिटेशन का हाउस है बारवा हाउस आइसोलेशन का हाउस है बारवा हाउस सेपरेशन का हाउस है तो वहां केतु का जगह है वो केतु जो प्लैनेट फॉर सेपरेशन साधना वेरी स्ट्रॉन्ग इंफ्लुएंस टूवर्ड्स डिटेचमेंट ऑफ

केतु केतु इवन दो राहु के माफिक फल दे रहा है उसमें डिफरेंस यही है केतु जब ब्लास्ट करता है तो एक्सपोनेंशियली ब्लास्ट करता है ऐसे ऐसे सो केतु टोटली अननोन रहेगा जब कोई बीमारी सामने आएगी तो ऐसे सामने आएगी कि जब वो ब्लास्ट के लेवल पहुंच जाए केतु कुछ होने नहीं देता दिखता नहीं है कि तू दिखेगा भी नहीं लेकिन जब सामने आएगा तो बहुत बड़ा रूप आएगा केतु पांचवी हाउस में मूर्तिकोण का पांचवी राशि में मूर्तिकोण का जस्ट डिस्कस फिफ्थ हाउस फिफ्थ राशि इस मूर्तिकोण ऑफ केतु यानी कि पांचवा घर पांचवाण पांचवे घर में इवन तो केतु इस मूर्तिकोण जो राशस परिवर्ति के प्रकार रिजल्ट देते हैं पांचवे घर में बैठा केतु पांचवे घर में बैठा केतु जेंट्स के पेट की तकलीफ देगा लेडीज के पेट कटवाएगा जिसके पांचवे घर में केतु होगा चेक बच्चा ऑपरेशन से हुआ होगा केतु काटापीटी का कारक ठीक केतु मेटालिस्टिक चीजों का कारक नहीं है मैंने बोला सेपरेशन फ्रॉम मेटालिस्टिक वर्ल्ड और डिटैचमेंट फ्रॉम मेटालिस्टिक वर्ल्ड सो केतु धृ का कारक नहीं है राहु इज ए प्लैनेट ऑफ मेटालिस्टिक वर्ल्ड केतु इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ मेटालिस्टिक वर्ल्ड केतु इस समाधि इसलिए केतु मंगल वर्गे है राहु इज मेटालिस्टिक वर्ल्ड इसलिए वो शनि वर्गे है एक रिक्वेस्ट पूछे आपने जो 12 नंबर का हाउस बोला तो उसमें केतु सारी चीजों को तो कर रहा है लेकिन विदेश और इन्वेस्टमेंट को कैसे कर, वो करता है क्योंकि सेपरेशन वगैरह सब रहा है विदेश इस सेपरेशन ओके सेपरेशन फ्रॉम फैमिली सेपरेशन फ्रॉम लव वंस और इन्वेस्टमेंट इस खर्चा इन्वेस्टमेंट इस रिडक्शन ऑफ लिक्विडिटी इन हैंड ओके ठीक got it जमीन को आप कुछ नहीं कर सकते इट्स यू कॉन्ट डू एनी जमीन जमीन है यू कैन एंजॉय मल्टी टाइप ऑफ ग्रीन सतराजा इसकी भी चीजें सेम होती है ऑलमोस्ट सतराजा नारियल कंबल शीशम का तेल काली चीज काले वस्त्र प्रेस आयरन प्रेस ठीक है, ये के, के की चीज़ है? के, के के जो नक्षत्र होते हैं तीन नक्षत्र मेघा मूल अश्वनी ये तीन नक्षत्र केतु के, के हैं और केतु के, के नक्षत्र में बच्चे का जन्म मूल का नक्षत्र क्या था गणमूल गणमूल सुना हुआ पे बच्चा गणमूल में पैदा हुआ गण के तीन नक्षत्र होते हैं बुद्ध के अब मूल के तीन नक्षत्र होते हैं केतु के केतु के नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा गणमूल का नक्षत्र कहलाता है उसके अपने उपाय होते हैं जब गणमूल का तब करेंगे ठीक है तो कैसे बता चलेगा ये भी आइडेंटिफाई ये भी बाद में करेंगे बट जानकारी के लिए केतु एक राशि में और राहु भी एक राशि के अंदर डेढ़ साल रहता है अठारह महीने रहता है सेकंड हाईएस्ट आफ्टर शनि शनि ढाई साल रहता है तीस महीने केतु राहु एक राशि के अंदर अठारह महीने रहते हैं इसके बाद गुरु आता है जो बारह महीने रहता है केतु की जो दशा है वो सात साल की महादशा होती है केतु की केतु जेमस्टोन कैट सही जेमस्टोन शायद हमने किसी के भी नहीं किया छोड़ देते हैं फिलहाल केतु का जो जेंडर है वैसे ट्यूटर कहलाता है लेकिन पुरुष जाति का जेंडर कहलाता है केतु केतु भगवान श्री गणेश भगवान श्री गणेश को दर्शाते हैं और केतु इज अ गॉड ऑफ कर्मा दैट इज चित्रगुप्त उसके जरूर है वो भगवान ब्रह्मा जी हैं श्री गणेश जी का लॉकेट केतु की रेमेडी है जिसका केतु स्ट्रांग नहीं कर रहा गणेश जी का लॉकेट अपने गले में पहन ले तो कैसे पता लगेगा कहते स्ट्रॉन्ग तो है या नहीं अरे भैया वो आएगा आगे आएगा आएगा ठीक केतु की भगवान श्री गणेश की उपासना केतु के अंदर बेनिफिट देती है केतु की जब दशा जिसकी शुरू हो जाए तो इंसान को कुछ ऐसी तकलीफ सड़क घटरा घटती है जो

ठीक है मेटलिस्टिक चीजों की और वर्ल्डली चीजों की और स्पिरिचुअलिस्ट चीजों की पहचान अपने कोर को कोर की पहचान ठीक है अच्छे बुरे की पहचान लेकिन अच्छे बुरे की एक हाई हाईएस्ट लेवल की पहचान ओके जिसका कितना अच्छा होगा उसकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग होगी वेरी स्ट्रांग इंट्यूशन जिसका जन्म सात रंबा का होगा ना उसकी इंट्यूशन भी अच्छी होगी चेक करके देखो यहाँ पे जिसका सात रंबा का जन्म है उसका देखना क्योंकि केतु का नंबर सात है केतु केतु इज स्ट्रॉन्ग हीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग जिसका केतु स्ट्रॉन्ग होता है जिसका क्या है? ये नहीं समझ रहा तारीख का जन्म जिसका केतु नाइन्थ हाउस में बैठ गया हाउस ऑफ लक गुड लक हाउस ऑफ स्पिरचुअलिज्म वेरी हाई लेवल ऑफ स्पिरटी इन लाइफ चलते फिरते किसी के सब पे हाथ भी रख देना तो आशीर्वाद हो गया ऐसा व्यक्ति जो बोल लेता किसी के लिए वो हो जाता है उसका कितु नोवे हाउस में है वो देख लेना मेरी बेटी का है, ऐसा है ऐसे व्यक्ति जो गुस्से में बोल लेते हैं दिल से बोल देंगे तो वो हो जाएगा तांत्रिक एक्टिविटी केतु में आती है राहु में भी आती है बट केतु में भी है तांत्रिक हीलिंग एक्चुअली राहु केतु में आती है तांत्रिक एक्टिविटीज राहु में आती है हीलिंग केतु हीलिंग की जितनी भी एक्टिविटी आती है हीलिंग हार्ट हो या हीलिंग की और चीजें हीलिंग नेचुरल हीलिंग हो हीलिंग इज केतु केतु में आती है केतु इज एबिलिटी केतु इज एबिलिटी टू रीच टू दी हाईएस्ट लेवल कनेक्टिंग गॉड ठीक डिटैचमेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड मूविंग टू नेक्स्ट वर्ल्ड जहां राहु हमारी पीछे से प्राप्त आ रही थी केतु उससे आगे जा रही है आगे को लेके जा रही है पीछे से ला रहा था और केतु आगे की के तरफ लिखे जा रहा है केतु के स्ट्रॉन्ग नहीं होगा वीक होगा सेड वीक होंगी कंसेंट्रेशन वीक होगी घबराहट एंजाइटी की समस्या होगी अब भाषा अच्छी नहीं होगी दिल से रूड या हार्ड हार्टेड है ना एक क्या बोलते हैं लाइक like, कठोर दिल ठीक जैसे इमोरल एक नेगेटिव प्राउड फीलिंग होती है ना अहम कि तुम केतु डार्क रेड कलर की आंखें डार्क रेड कलर की आंखें केतु लंबी थिन बॉडी केतु केतु टेम्पल्स टेम्पल में केतु का स्थान क्यों उच्च दर्जे की भक्ति केतु केतु की बीमारी भी लाइलाज होती हैं ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम जॉइंट्स में प्रॉब्लम नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम पैरालिसिस कैंसर जैसी समस्याएं ब्लड सर्कुलेशन का पुअर होना ठीक एनीमिया जैसी समस्याएं ये सब केतु को दर्शाती हैं। केतु का सबसे अच्छा वन ऑफ दी गुड इलाज इज कंबल का दान केतु का बहुत अच्छा इलाज है केतु एस्ट्रोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है नाना को रिप्रेजेंट करता है मेडिसिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है फायर एक्सीडेंट तोड़फोड़ ब्रोकन रिलेशन जादू ठीक और स्पिरिचुअल चिटिंग मेंटल इलनेस इन सब का कारक केतु केतु रीढ़ की हड्डी घुटने लिंग की समस्या है केतु केतु का जो कार्य क्षेत्र होता है वो तो धार्मिक संस्था धार्मिक जगह प्लेसेस केतु जहरीले जीव केतु भूरे रंग के पशु पक्षी केतु अश्वगंधा की जड़ अश्वगंधा की जड़ केतु सेवा आश्रम और धार्मिक संस्था में सेवा स्थान केतु केतु अगर बलि होता है इंसान की कुंडली के अंदर केतु बली है तो केतु बहुत मजबूत स्थिति इंसान को देता है बहुत मजबूत स्थिति देता है क्योंकि वो इंसान बहुत अंदर से बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि मंगल इज वेरी स्ट्रांग और मंगल का एक्सटेंडेड आम केतु का है। पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इंसाइड वेरी स्ट्रॉन्ग डिटरमेंट और अच्छी भक्ति देता है और यही के तु तो और पीड़ित हो किसी के चार्ट में तो पैरों में कमजोरी तकलीफ नाना किस समस्या है नाना को क्रॉनिक डिजीज लाइलाज बीमारियां बीमारी का देर से पता चलना बीमारी का लास्ट स्टेज पे जाके पता चलना केतु बीमारी को छुपा के रखना बीमारी आगे नहीं लेके आना केतु केतु ऐसा प्लैनेट है जो कि किसी भी चीज को मल्टीप्लीकेशन करता है जहां पे राहु किसी चीज को स्पेशल स्प्रेड करता, तो करता है तो केतु उसकी मल्टीप्लीकेशन करता है राहु रिजल्ट फ्ला के बड़ा देगा तो केतु उसका इंपैक्ट बहुत एकदम देगा सडन इंपैक्ट देगा सड़क चोट देगा केतु का जो रुद्राक्ष होता है वो नौमुखी रुद्राक्ष होता है केतु का अब केतु का या, 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 जो मंत्र ओम श्रांग श्रोंग श्रोम शेतु नमः ओम श्री श्रोम श्र केतवे नमह केतु का के जो तात्विक या वैदिक मंत्र है ओम के केतु नमः ओम के केतु नमः केतु का तो मंत्र होता है केतु इंसान के लिए धा, धार्मिक दृष्टि से केतु बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है और केतु का कनेक्ट गुरु के साथ बहुत स्ट्रांग बनता है क्योंकि गुरु भी धार्मिक है केतु का रिलेशन गुरु से बन जाता है तो इंसान की धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है अगर के, केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ी है किसी प्रकार का गुरु से नाता बढ़िया है तो केतु की धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है और यही एट द सेम टाइम केतु का मंगल से नाता बन जाए तो इंसान या तो मेडिटेशन की उच्च व्यवस्था में चला जाए तो अच्छा है नहीं तो इंसान के अंदर जीवन में तोड़फोड़ बहुत होती है चोट पीट का लगने का खतरा बहुत बढ़ जाता है इंसान को शारीरिक कष्ट बहुत होते हैं शनि से अगर बन जाए संबंध तब तो भी इंसान के शारीरिक कष्ट बहुत होते हैं बारह बजे आधे लोग सो गए बन जाए तो इससे बन जाए बुध से बुध के कॉम्बिनेशन में साथ में आए तो केतु केतु और बुद्ध के कॉम्बिनेशन में साथ में आ जाएगा तो इंसान जो है